चलिए सर सिग्नल दे दीजिए फटाफट। चलिए कट चलिए कैमरा मेरे तरफ। इसी के साथ विद्युत की डिजिटल व्यवस्था हुआ। पहले है आपके हाँ, ये आज का पहला सेमीफाइनल। तो इस मैच रात को थोड़ा जुड़ना चाहूंगा, क्योंकि सिर्फ सिर्फ एक ही मैच का आपको दर्शन है। राज आप भी हमारे बीच आएंगे। शुक्रिया गुलाब सर जी, साथ साथ शुक्रिया फाल्गुनी सर जी, साथ में आज ऋषि जी के सेट पीस से मिला हुआ है यहाँ से मधु के द्वारा। अच्छा ठीक जरूर था, हालांकि टारगेट पर जरूर आया है, लेकिन अपने नाम एक रिकॉर्ड भी किया है। गाइस देखने वाली बात होगी थी। हेलो जगत, हेलो 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 दोनों टीम से परिचित नहीं है तो निश्चित तौर पर दोनों टीम की जर्सी ब्लू नजर आ रही थी। कहने के लिबास अब बदले हुए टीम यानी कि पीले पोस्ट बिल्कुल सरसों की धूल चुपकारा नजर आ रहे हैं। जो टीम ये है ब्लू स्पॉटिंग, और जो ब्लू पोस्ट में आपको नजर आ रहे हैं निश्चित तौर पर इनके पास तो बहुत ज्यादा क्षमता है, एक से बढ़कर एक खिलाड़ी है इनके पास। आज ब्लॉको टाइगर बागुर्दा की टीम निश्चित तौर पर इन्होंने पिछले चक्र में दिखा दिया। आप देख सकते सुनील सरदार पांच नंबर की जा चुके हैं। क्या कमाल का मैच खेला इस मैदान में, बहुत बेहतरीन मैच खेलते हुए नजर आए हैं। अगर बात करें हम सेंडिंग की, अगर बात करें आज कृष्णा समाज की, सभी ने बहुत अच्छा योगदान दिया है आज ब्रोकोट टाइगर बागुर्दा की ओर से। निश्चित तौर पर आपको अगर बता दूं तो बिजली वाली टीम यानी कि दुर्गा स्वाटिंग, इसमें भी बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन युवा चेहरा नजर जरूर आए हैं। आज इन्होंने भी बहुत अच्छा टक्कर दिया है, यानी कि राजेंद्र जैसा प्लेयर है, माधु जैसा प्लेयर है। कहने के आज मुकेश को गेम में लाना पड़ेगा, लालू को गेम में लाना पड़ेगा, तभी जाकर आप स्कोर करने की सोच सकते हैं। आज भले ही एक प्लेयर यानी कि दुर्गा स्पॉटिंग की ओर से बिना जापसी पर जरूर है, लेकिन ये टीम के सितारे गोपी सोई जैसे खिलाड़ी मौजूद है। आज इनको भी कुछ अलग करना पड़ेगा। फिलहाल मुकेश अच्छा टर्न के साथ इस पर मधु के लिए गेंद जरूर निकाला था, हालांकि वहां पे मधु अच्छा से स्किप नहीं कर पाए। गेंद 11 नंबर है उस पर बंजू, गेंद के पर जरूर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे, लेकिन इस पर गोपी जरूर बीच में आए। गोपी इस पर गेंद लेने के बाद मुकेश के लिए बंटवारा, वन टू करने का प्रयास वहां पे। गोपी देख सकते हैं स्किल, इनको स्किल मास्टर के नाम से भी जाना जाता है गोपी को, और सरायकेला क्षेत्र में इनका बहुत अच्छा नाम लिया जाता है गोपी सोई का। इस बार गलती जरूर हुई थी सागर के द्वारा, लेकिन इस बार डिफेंडर के द्वारा बड़ी की एक बिल्कुल अग्रिम पत्ती के खिलाड़ी कहने का राजन को ढूंढने का प्रयास था। हालांकि इस बार तीन नंबर जरूर सात नंबर तक बढ़ाया है सिवा इस पर गेंद के साथ। बड़ा अच्छा सुनील को ढूंढने का प्रयास था, लेकिन इस बार ईट का जवाब जरूर पत्थर से दिया है डिफेंडर, बड़ी कीक के जरिए अंतिम पत्ते के खिलाड़ी तक पहुंचाने का प्रयास था, लेकिन इस बार चोटी का संकेत आई है। और कहीं ना कहीं निर्णय के रूप में आप देख सकते मैदान के बीच में मिस्टर शिवराम मुर्मू अच्छा ऊपर सिटिंग से मैच को अच्छा चलाया गया है। इस बार लालू की गति देखने को मिल सकती थी वहां पे, लेकिन हल्का सा फंस गया। इस बार गेंद के साथ होना है
परीक्षा ले जाने का प्रयास कर लेकर ना रहने दिया। आज ना मैदान की भी थोड़ी सी खूबसूरती की अगर बात करते ना, इससे कपड़ा बहुत ज्यादा घास जरूर मौजूद है, लेकिन ना किसी किसी जगह पे हल्का फुल्का जो घास नहीं है वहां पे रोलिंग करना थोड़ा सा जरूर समस्या हो रही है, इसीलिए शायद अच्छा से गेम नहीं बना पा रहा है। बनाया कर तीन नंबर सुशील को ढूंढा है, सुशील सात्विक लड़ तक जब संदीप तक पहुंचे हैं गेम को, संदीप इस बार पास निकालने के क्रम में इस बार ड्रॉप हुई, अच्छा पास से जरूर देने का प्रयास था वहां पे मधु को, लेकिन फिर से फंसे इस बार गेम का चौको टाइगर बाबू का, अच्छा पास आठ नंबर कृष्णा, देखिए इसके कमाल का स्किल देखने को मिल रहा है मात्र वे से उजीन स्वार्थ सागर, लेकिन इस बार चौको टाइगर बाबू का के खिलाड़ी वो सीधा साथी खिलाड़ी तक अगर थोड़े से मुझे अपील कर रहे थे, लेकिन इस बार लालू बाएं छोर से इनका छोटी कद के खिलाड़ी है, अच्छा फाइटिंग करने के लिए जाना जाता है लालू को, लेकिन इस बार गति देख सकते हैं सुनील सरदार क्या कमाल का गेंद को लेकर आगे बढ़ने का प्रयास कर, लेकिन ना यहाँ पे थोड़ा सा ब्रिलियंट माइंड कभी यूज किया नहीं, कहीं ना कहीं ऑप्शन उन्होंने देखा कि अग्रिम पंक्ति में कोई भी ऑप्शन नहीं मिल रहा था, इसलिए थोड़ा सा होल्ड किया, होल्ड करने के बाद थोड़ा सा बंटवारा किया सर, लेकिन इस बार लालू गेंद के साथ जरूर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा निहार रहे हैं, और इस बार मुकेश गेंद जरूर बटवा रहा हूँ इस बार राजन के लिए, राजन थोड़ा सा भरोस बदले करने के बाद पूरा थोड़ा सा पीछे बटवारा किया लालू को, निश्चित तौर पर लालू यहाँ से ठीक करने की कोशिश जरूर थी, अरे बिल्कुल इस बार गोपी जरूर ठीक लगाया था, लेकिन हल्का सा टारगेट से भट गए, निश्चित तौर पर प्रयास देखने को मिल रहा है यहाँ पे गुरबोल स्वाटिंग की ओर से, और कहीं ना कहीं पहला इंटिंग भी देखने को मिला गुरबोल स्वाटिंग की ओर से, लेकिन देखने बाद रात होगी कि आज जो गोकुल टाइगर की टीम है, निश्चित तौर पर टाइगर इनका नाम है, और कहीं ना कहीं अच्छे से जानते हैं कि टाइगर बच्चे कम से हमला करने पर विश्वास रखते हैं, और आपको भी बता दूं कि भाई ये टाइगर जो गोकुल टाइगर बागेता की टीम है पिछले क्षेत्र में आज बहुत ही बेहतरीन खेल के बाद ही इस मौका को हासिल करी है, और इस मैच में निश्चित तौर पर लय को ढूंढने का प्रयास कर रही है, सुनाए गोटर नंबर सुनील के लिए गेंद को डालने का प्रयास कर रहा था संदीप होटल, लेकिन अब कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है, लेकिन आखिर कर रहा लेफ्ट फुलबैक को गेंद थमाए जरूर है लालू का, इस पर हेड के जरिए पास निकालने का प्रयास था, इस पर मधु गेंद लेने के बाद था समानांतर बंटवारा, इस पर मुकेश के लिए मुकेश ओजिन के लिए यहाँ से मौका क्या हो सकता है, निश्चित तौर पर गेंद आगे निकाला क्रॉस भी किया है, लेकिन गति नहीं दे पाए यहाँ पे ओजिन, निश्चित तौर पर अच्छा प्रयास अच्छा परिश्रम कर रहे हैं यहाँ पे हालांकि जो यहाँ पे बोल की खोज हो रही है दोनों ही ओर से, देखने वाली बात होगी कि क्या आज आखिरी मैच में भी हमें गोल देखने का मौका मिल सकता है, सुना एक बार ओजीन ना थोड़ा सा फिसले वहां पे, इस बार गोल नंबर जब सेंडू को दर्शक बंदर का चे मंच जे दाएं साइड है दर्शकों दाढ़ाया से देखों पिछले अपना दे माँ बने दाढ़ाया से আপনাদের পেছনে মা বোনের দাঁড়ায় আছে, দয়া করে আপনারা ছেড়ে দেন নিজের জায়গায় নিজের সম্মান বজায় রাখুন, দয়া করে আপনারা ওখান থেকে ছেড়ে দেন, ওনারাকে দেখার মৌকা দেন, দয়া করে ছেড়ে দেন ওখানে, আর চলে ময়দানকে বিচে বিচ চলতে হ্যাঁ জিস তরহ সে দোনো হে টিম আচ্ছা দলদবা কে সাথ ময়দান মে ম্যাচ মে क्वालिफाई किया है सेमीफाइनल, और यहाँ पर क्या बात रहा गोपू टाइगर यानी टाइगर शेर की भांति दहाड़ा दो दो बार, इस तरह से पूरे भारत वर्ष हो या स्विच बैंक हो आपको कम इतनी कम समय में आपको डबल
के आसपास पैसा या राशि आपको मिल जाएगा, यानी अब दोनों ही टीम 60,000 का राशि बिल्कुल प्राप्त कर चुका है और सीधे आप जो क्वालिफाई कर देंगे इस मैच में 1,00,000 का राशि अपना हाथ लगा ही लेगा। अगर इस तरह का आपको नेता के खिलाफ मुरुख भी क्वालिफाई किया था, हालांकि दोनों टीम का मैच का अगर नतीजा का कंपेयर किया जाए तो बापू टाइगर थोड़ा सा आगे चलेंगे, हालांकि ब्रूस स्टोनी गेंद को आगे बढ़ाया और कोई खतरा नहीं, गेंद को सीधे और थोड़ा सा हमारे साथी कमांडर गुलाब जी को भी और सुभद्रा को जोड़ेंगे, थोड़ा सा गुलाब जी को और थोड़ा सा सुभद्रा को। बहनों भाइयों, आज का टूर्नामेंट का एकमात्र सेमीफाइनल मुकाबला भोलू प्रसाद में गप्पू टाइगर भांगुर था, लिबास बदलने के बाद ध्रुव स्पोर्टिंग चांदेल लेकर टीम में जर्सी का रंग बदला जरूर है लेकिन खेल का इरादा बिल्कुल बदला नहीं है। बहुत ही जबरदस्त मैच खेले अभी तक, सिफर सिफर का मुकाबला इसी बीच चुन के निकाला है, लेकिन यहाँ इस बार सीबा क्या करते हैं, नामचीन की खूबसूरत हेड के माध्यम से गेंद को बाहर निकाला गया, हालांकि अभी भी खतरा टला नहीं पूरी तरह से, थोड़ा सा दबाव गप्पू टाइगर ध्रुव स्पोर्टिंग के ऊपर, लेकिन स्कोर बदलने के बाद अब गणनीति के तहत गप्पू टाइगर भांगुड़ा इस बार सुनील सरदार जर्सी नंबर 5 पे, हालांकि वो सुनील सरदार नजर नहीं आ रहे हैं, विगत 4-5 साल पहले हम जानते थे फिलहाल गप्पू टाइगर सिबा के लिए गेंद, इस बार सिबा विद द बॉल चुन के निकला है लेफ्ट विंगर, यहां से मौका बनेंगे क्या इस बार, चलिए जस्ट मिसिंग आउट बट दैट इज ए फैंटास्टिक किक, मैदा सिक्स गोल लाइन को बताया है अपने टीम के लिए, सब कुछ दांव पर लगा देता है इसी बीच संदीप बिगो और आज सिबा 7 नंबर के जैसे हमारे मैच के ठीक सामने, हालांकि प्रत्येक बार और आप थोड़ा सा दबाव महसूस करते हुए इस बार अच्छा चेस डाउन करता हुआ, लेकिन थ्रू बॉल निकलने की कोशिश से राजन को ढूंढने के प्रयास संचार के एक गलत पासेस आई, उसके बाद फिर से बॉल पहुंचा रहे, यहाँ पर फुटबॉल के मैदान में कबड्डी बिल्कुल नहीं खेल सकते हैं खिलाड़ी मैंने अवार्ड के रूप में, हालांकि यहाँ पर सीधे दीवार को दे मारे गेंद, दीवार टूटी नहीं बने, हालांकि खतरा अभी टला नहीं और थोड़ा सा कवरिंग करने की कोशिश, लेकिन बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर नजर था लालू बाल है तो स्टार है तकरीबन गप्पू टाइगर भांगुड़ा, हाँ कुछ क्षण पहले अच्छा खेल रहे थे लेकिन अब थोड़ा सा ध्रुव स्पोर्टिंग की टीम ने अच्छा फुटबॉल खेलता हुआ थोड़ा ज्यादा गति बढ़ा रहा, गेंद यहाँ पर समझा अच्छी गेंद राजन के लिए, इसे ठीक पास कहा जाएगा, पिछले बार कटिंग जल्दी करने के बाद लेकिन थोड़ा ज्यादा ही कर बैठे और यहाँ पर सिबा काफी देर से उन्हें गेंद मिला नहीं और ऐसा लग रहा है सिबा मैदान में सुंदर हिंदी भाषा मीठी भाषा अपना के खेल संचालन कर सुना लें और दर्शक बंधु खेल मैदान आसछी दुर्हा स्पोर्टिंग क्लब वर्सेस गप्पू टाइगर बागुड़ा, खेला चलते खूब सुंदर भाव खेला जमे देखा जा गप्पू टाइगर बोल्टी पे खूब सुंदर भाव अंत को खेले दीछिलेन किंतु बोल्टी माठेर बाहरे चले गेछे কোনো ফলাফল হলো না, কর্নারটিকের ইশারা হয়েছে, এবার দেখা যাক সেই গপ্পু টাইগার আবার চলেছেন সেই কর্নারটিকের ইশারাই, এবার বলটি দেখা যাক, দর্শক বন্ধু আপনারা জানেন কর্নারটিকের মানে হলো আধা গোল মানা যায় যদি সত্যিকারেই সে ছোটা থাকে তাহলে, কিন্তু গোলের ফলাফলে আসছে, এবার দেখা যাক সেই গপ্পু টাইগার বলটি নিয়ে তাকাচ্ছে তার সহসাথীকে, এবার দেখা যাক আর বলতে না বলতে আলতো করে ফেলে দিয়েছেন সেই গপ্পু টাইগার, কিন্তু বলটি চলে গেছে মাঠের বাইরে, কোনো ফলাফল হলো না, এবার দেখা যাক দুর্ভাগ্য স্পোর্টিং আক্রমণে চলেছেন গপ্পু টাইগার ডাঙ্গুরদা, খুব সুন্দর ভাবে খেলা চলছে উভয় পক্ষের 0-0 এখনো কোনো ফলাফল হয়নি, এবার দেখা যাক দুর্ভাগ্য স্পোর্টিং খুব সুন্দর ভাবে বলটি ফেলে দিয়েছে কিন্তু বলতে না বলতেই খেলটি সমাপ্তি বুকে চলেছে, বা দেখা যাক প্লাস্টিক শট, দর্শক বন্ধুর কাছে অনুরোধ জানাবো আপনার নিজে নিজে জায়গা নিয়ে বসে যান, যথেষ্ট জায়গা আছে বন্ধুরা, আপনারা দূরের থেকে সসম্মানে প্লাস্টিক শট দেখুন, ভিতরে কেউ যাবেন না, বারংবার অনুরোধ করছি।